खरगोन जिले के समीप मांगरुल गांव में अवैध रेत खनन के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। बताया जा रहा है कि अन्य जगह की रॉयल्टी लेकर ठेकेदार टोकन के आधार पर खनन कर रहा है और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला खरगोन के समीप ग्राम मांगरुल का है। ग्रामीणों ने अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोला और हंगामा किया। अकलीम खान ने बताया कि हम अवैध रेत खनन होने नहीं देंगे। मौके पर पहुंची खनिज विभाग की निरीक्षक रीना पाठक ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर मामला संज्ञान में आया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या विवाद, किस चीज को लेकर? किस चीज को लेकर विवाद? हम लोगों को रेत निकालने के संबंध में आपसी विवाद है, तो उनको भी ठेकेदार को स्पष्ट किया है राजस्व विभाग ने कि आपका कौन सा है, वो क्षेत्र क्लियर करते हैं। तो ये रेत निकाली जा रही है, ये रेत ठेकेदार ही निकाल रहे हैं या अन्य लोग कोई निकाल रहा है? नहीं, रेत ठेकेदार ही के द्वारा जो अथॉराइज व्यक्ति है उनके द्वारा। रॉयल्टी बिल मिल रहे हैं मैडम यहाँ से कि टोकन चल रहा है? सुना हमने कि टोकन चल रहे हैं। हम लोग ने स्पष्ट कह दिया है रॉयल्टी से ही कार्य होगा और बिना रॉयल्टी के यदि कार्य करते तो हम लोग कार्य। मैडम, हमारे यहाँ काले रेत की खदानें स्वीकृत कितनी है, जिले में कितनी खदानें स्वीकृत? यहाँ पर शाहपुरा भाडली है, उमरखली है, तितपुर है। यहाँ से जो रेत निकल रही है ये रॉयल्टी वाली है क्या? हाँ, भाडली शाहपुरा में स्वीकृत रेत खदान है। इसका सीमांकन हो चुका है मैम क्या? सीमांकन राजस्व विभाग ने कर दिया है। आज वापस स्थिति विवाद की बन रही थी तो वापस राजस्व विभाग अभी इसको कर रहा है। जी मैडम, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए न तार फेंसिंग है और आप अगर मौके पर जाकर देखेंगे बहुत सारे गड्ढे भी हैं और इतने गड्ढे हैं कि अगर आदमी उसमें खड़ा हो जाए तो दिखता भी नहीं ऊपर से, तो सुरक्षा के मापदंड कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी तो ठेकेदार ने काम चालू किया है तो वो सब स्थिति इसको सही करेगा, क्योंकि पहले से काफ़ी समय से यहाँ पर रेत खदानें स्वीकृत नहीं हुई थी तो आसपास के ग्रामीण लोगों के द्वारा इलीगल खनन की कंप्लेंट हम लोगों को मिलती रहती थी, वो खनन भी करते थे। अब ठेकेदार काम करेगा तो वो सब चीज़ें उसको सुधारेगा जो नहीं, जैसे खदान शुरू अगर होती है तो उसके पहले ही विभाग एक बार चेक करता है सुरक्षा के मापदंड से है या नहीं है, तो उसके इसके पहले आप यहाँ चेक करने आए थे? नहीं, सुरक्षा के मापदंड नहीं, उनको जो स्वीकृत है सबसे पहले उनका सीमांकन होगा और उसके बाद फिर जो स्वीकृत एरिया है उसमें उनको उत्खनन करना है। तो पर्टिकुलर एरिया इनको बता दिया गया था मैडम कि ये खसरा नंबर है, यहाँ यहाँ की जगह से, तो ये वहीं पर कर रहे हैं या दूसरी जगह खनन कर रहे हैं? अभी वर्तमान में तो हम लोग आए तो अभी कोई उत्खनन नहीं कर रहा था, तो अभी राजस्व की टीम भी मौके पर है और उनको अपना स्थिति क्लियर कर रही है कि आपका ये वाला जो क्षेत्र है वहीं, उनको ठेकेदार को भी संदेश दीजिए कि आप स्वीकृत क्षेत्र में उत्खनन करें। ठीक, थैंक यू मैडम। क्या शुभ नाम मैडम? रीना पाठक, खनन निरीक्षक। ये शिकायत थी सर, मांगरुल में अवैध रेत का खनन हुआ, वो ठेकेदार बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे ठेका हो गया, जबकि ठेका हो गया है शाहपुरा और भाडली में हुआ, और भाडली में ने भैया कि 11 हेक्टेयर का तेरा ठेका हुआ कि मेरा 51 उनका बता मुझे, तो कि नहीं ये नहीं हम बता, हम तो कहीं भी कर सकते हैं, हमने ठेका लिया, हम कहीं भी से भी निकाल सकते हैं। उनका भाई रॉयल्टी बता नहीं, कहीं रॉयल्टी भी नहीं है, इसलिए मैंने शिकायत की है। और ये अवैध खनन बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं हमारे रास्ते मांगरुल के, क्या हमारे किसान हैं, हम रात दिन नाव से चलते हैं, वो भी हमारे रास्ते इन्होंने बंद कर रखा है। खनिज विभाग के अधिकारी भी आए थे, उनका क्या कहना? उनका कहना है कि तुम अभी तक क्यों नहीं बोला, अभी तक हो रहा था अवैध खनन तो तुम क्यों नहीं बोले? तो मैंने कहा तो शिकायत तो आपको की है, आपका ड्राइवर तुमसे मिला हुआ है पहले, तो आप आते तो जब तक तो ट्रैक्टर वगैरह सब निकल जाते तो क्या करें हम। खनिज अधिकारी का ड्राइवर मिला हुआ है? सब मिले हुए हैं, उनका होमगार्ड का आदमी भी मिला हुआ है, वो पहले ही उनको कर देता है, फ़ोन कर देता है। वो कितने दिनों से चल रही है ये तो बहुत साल भर से चल रही है, पर अभी उसका ठेका वो कह रहा मेरा ठेका हो गया है। रात में भी खुदाई हो रही है? रात में भी करते हैं। क्या जेसीबी चल रही है? हाँ, जेसीबी 5 जेसीबी चल रही है। ये रॉयल्टी दे रहे हैं, टोकन दे रहे हैं? टोकन दे रहे हैं, रॉयल्टी कुछ नहीं है यहाँ, रॉयल्टी हुई अभी तो ठेका ही नहीं हुआ शाहपुरा का, 11 हेक्टेयर का भी खाली, सिर्फ अभी कब्जा भी नहीं दिया, वो आ रही बोला कि मैं कब्जा यहाँ तक हुआ है, उनका अभी कब्जा देना है इनको, तो कब्जा अभी दिया ही नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? भाई हमारा तो हम ये एरिया हम तो जहाँ इनका ठेका है वहाँ पे ये करे, यहाँ हमारे इधर तो अवैध खनन हम करने नहीं देंगे। क्या नाम आपका? अकलीम खान, भारतीय किसान संघ जिला सदस्य। हाँ, ग्रामीणों को कुछ समस्याएं थी रास्तों को लेकर, गांव वाले ये चाहते थे कि उनके कुछ रास्ता लंबे समय से रास्ता है, ये समस्या थी। इसके उपलक्ष्य में अपने माइनिंग अधिकारी भी यहाँ पे आए थे और आपके तहसील से भी लोग आए थे। तो क्या चाहते हैं, गांव में से ट्रैक्टर नहीं आए? ग्रामीणों की तो बहुत सारी मांग है, जिसकी मांगों को हर ग्रामीण की अपनी अलग अलग मांग है। सिस्टम भी चल रहा है भैया, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का। रॉयल्टी चल रही है? रॉयल्टी चल रही है। क्या नाम लिखते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।